तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं गन स्पिन। अफल भैया, इस वाले गेम के अंदर तुम्हारे पास होती है एक गन जिसको तुम लोग फायर कर सकते हो। एंड वेल, जैसे जैसे तुम लोग इस गन को फायर करोगे, वैसे वैसे गेम में तुम आगे बढ़ोगे। लाइक दैट, एक बार क्लिक करोगे, दो बार क्लिक करोगे एंड यहाँ तक। सो वेल, अपन 35 मीटर तक आए, इसका मतलब अपने को मिलेंगे 35 कॉइंस। एंड देन बाद में उन कॉइंस की मदद से अपन लोग कर सकते हैं अपग्रेडिंग, लाइक भैया बुलेट काउंट, बुलेट पावर, फर्स्ट शॉट पावर या फिर एमो बॉक्सेस। सो वेल, ये कुछ तरह की अपग्रेडिंग है जिनको अपन लोग कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अपन लोग गेम में काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की गन्स अनलॉक कर सकते हैं। लाइक अभी अपने पास बेसिक गन है, बट वेल अगर अपन लोग तरीके से खेले और काफी आगे पहुंच जाए तो अपन यहां तक पहुंच सकते हैं, रेनबो लेजेंडरी गन। सो वेल, लेट्स सी कि आज की इस वीडियो में अपन लोग ये गन ले पाते हैं या फिर नहीं। एंड उसके अलावा अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेल फटाफट कर देना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 0.003 सेकेंड। वेल, मुझ पर यकीन ना हो तो करके देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, अपन लोग अपना शूटिंग का काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं। सो वेल, अपने को जाना है ज्यादा से ज्यादा दूर ताकि अपने को ज्यादा से ज्यादा कॉइंस मिले। एंड वेल, परफेक्ट चांस देख के इसको फायर करेंगे तो अपन ज्यादा दूर जा पाएंगे। या पहले 35 मीटर आए थे, इस बार अपन 45 मीटर आए हैं। या अपन स्टिल अपग्रेडिंग नहीं कर सकते, बट इस बार मैं डेफिनेटली श्योर हूँ अपन लोग अपग्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि अपन आए 41 मीटर यानी 41 कॉइंस। और अब अपने पास टोटल हो चुके हैं 121 कॉइंस, तो अपन लोग अपना बुलेट काउंट इंक्रीज कर लेते हैं। वेल, यहाँ पहले 3 था एंड ये 4 हो चुका है, तो इस बार अपने पास 4 चांसेस है टोटल, यानी अपन लोग पहले से ज़्यादा दूर जा पाएंगे। पहले 45 मीटर आए थे, इस बार 46 मीटर आए हैं। वाओ, काफी ज्यादा ही दूर आ गया मैं, है ना। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं इतना दूर आ गया। खैर चलो, जो भी हो, एक काम कर लेते हैं, अपने फर्स्ट शॉट की पावर इंक्रीज कर लेते हैं ताकि भैया पहले ही शॉट में अपन काफी दूर जाएं, तब ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो वेल, फटाफट लाइक दैट थोड़ा ऊपर दे दिया मैंने, है ना, दैट्स व्हाई। बट या पैसा काफी अच्छा मिला है, तुम देख सकते हो 122 कॉइंस, यानी अपन ने काफी सही शॉट खेला इस बार। सो वेल, मैं अपनी बुलेट पावर भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि अपनी बुलेट ज्यादा कड़ा डैमेज दे, अपन ज्यादा दूर जाएं, लाइक दैट। यस, इस बार भाई साहब खतरनाक खेला हूं मैं, बट पहले से कम क्यों आया हूं? क्या ये तो कोई बात नहीं होती भाई, मेरी गन अपग्रेडेड थी तो मेरे को ज्यादा दूर जाना चाहिए था, राइट? वेल, वो भी है ना, मारने का भी डिफरेंस होता है। मतलब पहली बार अपन ने अच्छी वेलोसिटी में मारा था और इस बार कम में मारा है। क्या कोई ना, एक काम कर लेते हैं, अपना बुलेट काउंट इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अपन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं। एंड उसके अलावा ये एमओ बॉक्सेस डाल लेते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, जो अपन मिड एयर में एमओ बॉक्सेस आ जाएंगे। एंड वेल, अगर अपना नसीब रहा तो अपनी गन उनको ले लेगी एंड देन अपन लोग उनको यूज़ कर पाएंगे। एंड वेल, इस बार मैं तुमने देखा होगा अभी ऊपर एक एमओ बॉक्स था, बट मैं उसको ले नहीं पाया, माय बैड। बट स्टिल, लेट्स इंक्रीज आवर बुलेट काउंट ताकि यस अपन ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ पाए। जितना दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा कॉइंस मिलेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ। एंड वेल, इस बार आए अपन 152, कम है बट बेटर है, ठीक है। ऑलराइट, अपन अपने फर्स्ट शॉट की पावर इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि उससे फिर अपने को प्रोग्रेस भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। सो लाइक दैट, इसी तरह मैंने सोचा उसको ले लूंगा। डैम, एक काम कर लेते हैं, अपन एमो बॉक्सेस को ज़्यादा कर देते हैं ताकि भैया ये अपने को थोड़ी थोड़ी देर में मिलते रहें, जिससे क्या होगा अपने को बीच बीच में एक दो मिल जाएंगे और अपना काम बन जाएगा। एंड वेल, इस बार मैंने अपग्रेडिंग बहुत सारी कर ली, तो या मेरे को दूर भेजना इस बार, ठीक है। एंड स्टार्टिंग तो बहुत ही क्या कहूँ, बकवास हुई है, यस बहुत ही बकवास। एंड वेल भैया, यहाँ ऊपर तुम देख सकते हो अपना एक ये काउंट है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो वेल, ये जैसे ही इस वाली गन तक पहुँच जाएगा अपने को ये गन मिल जाएगी। सो वेल देन, यही है सीन, है ना, इतना अपन पहुंच जाएंगे तो अपनी बो वाली गन अनलॉक हो जाएगी, तो इतना अपने को दूर जाना है। सो वेल, मेरे पास अभी है 238, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी फर्स्ट शॉट की पावर इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अपन ज़्यादा तेजी से मार पाए, ठीक है।
पहला ही शॉट अगर तगड़ा लग गया तो अपन ज्यादा ऊपर जा पाएंगे, एंड वेल ज्यादा ऊपर यानी ज्यादा बेटर। और भाई साहब, ओ भाई, ओ अपने को एक्स्ट्रा एमओ मिली, मिली ना, मिली ना, कम ऑन। चलो कोई ना, छोड़ो सही, अपने पास हो चुके हैं 1500 कॉइंस, तो एक काम कर लेते हैं अपन, काफी सारा बुलेट काउंट इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अपन ज्यादा दूर ट्रेवल कर सके। एंड वेल देन मेरे हिसाब से अपन लोग वो जो अपनी दूसरी गन है ये वाली, मेरे हिसाब से मैग्नम है, शायद अपन इसको अनलॉक कर पाए। लेट्स सी कि क्या ये होता है या नहीं होता। वेल इस बार तो मेरे पास ज्यादा ब्लूट काउंट, यार क्या हो रहा है ये ज्यादा ब्लूट काउंट होते हुए भी भैया मैं बहुत वीक तरीके से जा रहा हूँ। मुझे लगता है अपने को अपनी गन की पावर इंक्रीज करनी चाहिए, ना कि भैया अपनी ब्लूट कैपेसिटी। ठीक है, सो वेल एक काम कर लेते हैं अपन, जितना भी पैसा पानी हो रहा है वो पूरा अपनी ब्लूट की पावर पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस बार भैया स्टार्टिंग तो अच्छी हुई है, स्टार्टिंग तो बहुत ही शानदार हुई है। ठीक है, अब लेट्स सी अपन कितना दूर जा पाते हैं अगर ढंग। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ यस बॉयज, यस फाइनली अपन ने अपनी नई गन अनलॉक कर ली। सुबल भैया आर्मरी में आ जाते हैं और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये है अपनी नई गन, और इसके अंदर कोई नया मूव है मेरे हिसाब से, कोई नई मतलब स्पेशलिटी, मतलब ऑब्वियस सी बात है स्किन तो बदली नहीं होगी। ठीक है, कोई नई स्पेशलिटी होगी तभी गन में पावर वगैरह मतलब कछु तो इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, कछु तो इम्प्रूवमेंट होगा। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। और इस बार अपन लोग, नॉट बैड भाई, मेरे को नई गन मिली ना, है ना, नई गन मिली मेरे को, है ना, गैस तो मेरे हिसाब से मुझे मिली। ठीक है, सॉरी नई गन नहीं, एमो, हाँ लिवेट। एक काम कर लेते हैं, अभी अपना पूरा पैसा अपन लोग फूंक देते हैं बुलेट पावर पर। एंड वेल उसके अलावा अगली गन है अपनी कोई एलियन टाइप की, तुम देख सकते हो कुछ एलियन टाइप की गन है ये। ओके, मेरे को यकीन है अपन इसको भी पूरा जल्द ही ले पाएंगे। एंड वेल अब मैं इस गेम को बेटर तरीके से समझ चुका हूँ, पहले से ज़्यादा बेटर। तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मारना पड़ता है, ठीक है। एंड भैया मेरे को एमओ बॉक्स मिला था, और उसके अलावा अपन ने नई गन अनलॉक कर ली, एंड अपन स्टिल चले जा रहे हैं। वाओ, 1100 मीटर, डैम दिस इज अलॉट एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, यहाँ जाते ही खोल लेते हैं अपनी नई गन एलियन गन। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ है पर साली दिखा नहीं रही मेरे को। खैर कोई ना, मेरे हिसाब से कोई अपग्रेडिंग होगी, मतलब अरे हाँ ना, वो अपग्रेडिंग है तो सही, वहाँ लिख रहा है कि भैया ऐसी अपग्रेडिंग है, वैसी अपग्रेडिंग है। समझ गया मैं। ओके, तो भैया सीम पानी कति सिंपल है, तुम्हें अपना जस्ट पावर इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, गन में मतलब गन की एमओ अमाउंट वगैरह इंक्रीज करने से कचू नहीं होता, गन की पावर इंक्रीज करो देन तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और इस बार अपन काफ़ी दूर आए हैं, 57%। गन भैया बहुत इंक्रीज हो, ऑलमोस्ट ओपन ही कर लिया अपन ने। ठीक है, खैर कोई ना, अपने पास 2200 कॉइंस हो चुके हैं, और उसके अलावा ये है एमओ बॉक्सेस। ठीक है, सो इस वाली गन से अपने को ये टाइमर है भाई, ठीक है, किसी तरह का टाइमर है ये, पर बता नहीं रहा है यार कि किस चीज़ का है। खैर नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन लोग तो एक काम कर लेते हैं, अपने बुलेट काउंट को इम्प्रूव कर लेते हैं, और उसके अलावा वन शॉट पावर मतलब जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, सो वेल एक शॉट स्टार्टिंग वाला खतरनाक, अपनी गन को पहले ऊपर ले जाओ और देन उसके बाद इसको साइड में ले जाना स्टार्ट करो। यप, ऐसे ही भैया गन की स्पीड इंक्रीज होती है। आई लाइक इट भाई, अपन काफी तेजी से जा रहे हैं और अपने को एक एमओ बॉक्स मिला, बट फॉर सम रीजन ही आराम जाते मुझे देंगे ना वो कीड़े पड़े सालों तुम्हारे कीड़े पड़े, बट स्टिल अपन 64% पर आ गए हैं, एंड अपन जल्द ही इस वाली गन को अनलॉक कर लेंगे। बट पहले थोड़ी सी अपग्रेडिंग कर लेते हैं, अपनी पावर इंप्रूव कर लेते हैं, फर्स्ट शॉट एंड एमओ भी, व्हाई नॉट। ठीक है, एंड वेल मुझे लगता है भैया इस बार अपन लोग अपने ये नई गन अनलॉक कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी भी भैया स्टिल 2 एमओ बची हुई है। एंड व्हाट, भाई थोड़ा सा यार प्लीज ना, 98% पे आ गया था मैं यार, ये तो कोई बात ही नहीं होती भाई मैं अपनी गन की पावर ही इंप्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा इसको। एंड यस, इस बार अपन लोगों ने अपने लिए नई गन अनलॉक कर ली, जो है भैया किसी ग्रीन तरह की गन। एंड इस बार अपन लोग बहुत दूर जा रहे हैं यार भाई, स्पीड घटने का लिटरली नाम ना ले रही। अपन लोगों ने वो पावर वाला अपग्रेड लेकर बहुत ही सही काम किया। ठीक है, एंड मानो या ना मानो अपन लोग 5000 मीटर आ गए
भाई कतई ओवर पावर। ओके सो वेल, अपनी नई गन है ये वाली, जिससे अपने को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी किसी चीज में। आई एम नॉट श्योर किस चीज में, बट बुलेट काउंट। ओ सही है यार, ठीक है, तो मैं अपनी पावर इंक्रीज कर लेता हूँ। फर्स्ट शॉट भी कर लेते हैं, और अब अपने लिए ले लेते हैं नई गन, वाटर गन। ओके, नथिंग स्पेशल बट स्टिल बेटर है, ठीक है। सो वेल, अपने को बहुत 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 दूर जाना पड़ेगा, एंड मुझे लगता है इस बार अपन लोग नई गन अभी अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। एंड यस, अपन लोगों ने अपने लिए नई गन अनलॉक कर ली, एंड स्टिल अपनी स्पीड बहुत ही बेहरन आ रही है। सो वेल भैया, ये है अपनी नई गन, जैपर गन। अफल भैया, जैपर गन क्या होती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल देखने में एपिक सी लग रही है, सो मैं ले लेता हूँ इसे, है ना। एंड लेजर गन, ओ भाई साहब लेजर गन, सही है यार ये। ओ स्पीड, बट भाई ये नया एक तो स्पिन इतनी जोर से करती है, पता ही नहीं चलता भाई कहाँ मारू कहाँ ना मारू। बट यार स्टिल सही है, अपनी स्पीड अच्छी आ रही है, अपन लोग काफी दूर जा रहे हैं। अभी अभी से अपन ने भैया 30% कंप्लीट कर लिया, और अपने पास कोई एमओ नहीं है। आई एम नॉट श्योर भैया इस बार अपन अगली गन को अनलॉक कर पाएंगे या फिर नहीं। एक्चुअली काम कर लेते हैं, अपन लोग अपनी गन की पावर को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, इससे पहले अपन की गन और भी दूर जा पाएगी। आई गेस इस बार मैं इस दूसरी गन को अनलॉक कर पाऊंगा। वेल पूरी बात भैया सही से गन फायर करने की है, ठीक है। पावर एंड एमओ डज नॉट मैटर, ठीक है, बस गन को तरीके से फायर कर दोगे तो तुम्हारी गन बहुत दूर जा पाएगी। वेल मेरी जिस हिसाब से मैंने गन फायर की है, आई एम नॉट श्योर कि भैया मैं कुछ कर पाऊंगा। एंड भाई मेरे को कोई पहले ये बताओ, ये एमओ काम क्या आ रहे हैं भाई, काउंट वगैरह तो इंक्रीज होना रहा है इससे मेरा, मुझे लगे लिटरली मैंने फालतू में उसमें अपना पैसा फूंका है। ओके, तो इस बार मुझे पता है मुझे कैसे जाना है ना, गन को ज्यादा स्पिन नहीं करवाना और ऐसे ही कर करके। सही भाई साहब, 7 एमओ अभी भी बची हैं, और अपनी स्पीड देखो 20% कंप्लीट कर दिया अपन ने। एक्चुअली परफेक्ट स्पीड चाहिए मुझे, एंड आई गेस अब मैं कर दूंगा। यस मैं कर दूंगा। सो वेल, अपनी नई गन अनलॉक हो चुकी है, एंड स्टिल मेरी स्पीड इतनी आ रही है कि भाई मतलब आई एम नॉट श्योर मेरा बंदा कहाँ जाके रुकेगा। 5,000, नॉट बैड एक्चुअली, नॉट बैड। सो वेल, मैं एक काम कर लेता हूँ, अपनी गन की पावर इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि एमो डज नॉट मैटर, ठीक है, पावर डज एक्चुअली, पावर डज एक्चुअली। एंड वाली ये वाली तो कचू कचू तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, वो नर्फ गन्स की आती हैं, कचू कचू ऐसा ही नाम होता है उनका, मुझे तो भाई वैसी ही लग रही है, ठीक है। ओके लिमिट, आई गेस ये मैं अभी ही कर दूंगा, ये वाला राउंड अपन लोग जीत रहे हैं आराम से। मुझे बताऊं क्या लग रहा है, ये गन ही मनूस है, ठीक है, नहीं लिटरली भाई इससे बेटर परफॉर्मेंस वाली गन है मेरे पास। तो एक काम कर लेते हैं, अपनी एमओ इंक्रीज कर लेते हैं, और आ जाते हैं अपन लोग अपनी मैग्नम पे, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। एंड वाली इतने डैमेज के साथ आई एम प्रोबेबली श्योर कि अपन आराम से इस वाली रेस को पूरा कर देंगे। नहीं आई कांट, देखो मैं भैया ये नहीं कह रहा वो वाली गन बेकार है, बट एक्चुअली काम कर लेते हैं, अपन जिस गन पे हैं उसी पे रहते हैं ना, मतलब भाई नई गन से भी ट्राई करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है भैया पुरानी वाली पावरफुल है तो उसी उसको लूँ, नहीं नहीं नई नई गन को भी भैया मौका देना चाहिए। ओके, नई गन को भी मौका मिलना चाहिए, तो अपन वापस से अपनी इसी गन को ले लेते हैं, जिसका सही कहूँ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई अच्छा यूज़ है, बट स्टिल ले लेते हैं। एंड मुझे लग रहा है भैया इस वाली गन को लेने का डिसीजन अपना शायद से सही था, क्योंकि अपन लोग भैया 90% पे आ चुके हैं, अभी भी अपने पास 6 गोलियां बची हुई हैं। तो यस, अपन लोग अगली गन जो मेरे हिसाब से कोई पायरेट काइंड की गन है उसको अपन अनलॉक कर चुके हैं। वेल, मैं बहुत देर से उस वाली गन से बूट पचा रहा था, अगर मैं पहले ही ये कर लेता तो नेवर माइंड। एंड वेल, मेरे पास हो चुके हैं 9,000, तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, दोनों भैया इक्वल अमाउंट में रिचार्ज होंगे, मतलब अपग्रेड होंगे, तो वेल क्या करना चाहिए अपने को, बुलेट काउंट या फिर पावर। मैं पावर के साथ जाऊंगा क्योंकि पावर नेसेसरी होती है, ठीक है। एंड वेल, अब अपन लोग ले लेते हैं कोर्स एयर स्पेशल, स्पेशल
नॉट स्पेशल ई स्पेशल पायरेट गाने ये भाई तो भाई सही है। स्टार्टिंग तो अभी तक ठीक है और इसके बाद आपने को मिनी गन मिलेगी UGI मजा आएगा। SMG मशीन गन वेल मेरा गेम ब्रोक हो चुका है एक्चुअली है ना, बट वेल अपने को गन मिल चुकी है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल अपना गेम ब्रोक हो चुका है भाई। भाई अपन मेरी गन कहाँ है, ऊपर नीचे आसमान में पाताल में धरती में कहाँ पे भाई, ये बस बढ़े जा रहा है, लिटरली बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। A few inches later, more moments later, 2000 years later, and guess what? अपन लोग अभी भी चले ही जा रहे हैं, अपन लोग आ चुके हैं भैया 136,000 पर। भाई इतना कोई नहीं किसी ने कभी किया भी होगा क्या, मुझे मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी भैया एमओ भी ओवर हो गई भाई, अब तो रोक दो यार मेरे बंदे को, नहीं कि अभी कहाँ ले जाके मारोगे यार, प्लीज स्टॉप इट प्लीज। अब मुझे पता है मैं गेम रिस्टार्ट करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे भी नहीं, बट क्या करें मजबूरी है करना तो पड़ेगा ही, एंड जैसा मैंने कहा था अपने वो पैसे नहीं मिलेंगे। खैर कोई ना, अपने वो एटलीस्ट गन तो मिल गई ना, अपन उसमें भी खुश रह लेते हैं ठीक है। अपने को मिली भैया UGI मशीन गन, एंड यहाँ पर काफ़ी सारी गन्स हैं बट अभी के लिए अपन इसी को ट्राई कर लेते हैं। यप यप सही है, एंड वेल मैं फिर से वो वाली गलती नहीं करूँगा भैया, पता चला मैं फिर से 2-3 लाख पे पहुँच गया, मतलब वैसा पहुँचना भी कोई यूज़फुल नहीं है ठीक है, सो मुझे नहीं पहुँचना। अपन यूजुअली जैसा कर रहे हैं वैसे ही आराम आराम से चलने देते हैं इसको, और लेट्स जस्ट गो लाइक दैट, एंड यस फाइनली अपन लोगों ने एक और नई गन अनलॉक कर ली है, एंड अपन लोग आ चुके हैं रेनबो वाले एरिया में। यहाँ पर यूनिकॉर्न मिलेंगे आई नो नहीं मिलेंगे, बट अपन लोग एक काम कर लेते हैं गन पावर इंप्रूव कर लेते हैं बिकॉज वो जरूरी होता है, एंड यप हेलो गन अपनी नई गन स्पेशल गन, इसमें से लेजर भी निकलेगी या फिर गोलियां ही निकलेगी, आई गैस सिर्फ गोलियां ही निकल रही है आखिर वाट एवर जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। मैं भैया टेक्निक सीख चुका हूँ कि भैया इसे कैसे करना है, तुम्हें बस स्टार्टिंग करनी है स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर ठीक है, मतलब ऊंचा नहीं जाना तुम्हें, तुम्हें ध्यान देना सीधा जाओ, जितना सीधा जा सको उतना सीधा जाओ लाइक दैट। वो मैं बताऊँ एक काम कर लेते हैं अपन लोग दूसरी गन ले लेते हैं ठीक है, क्योंकि वो वाली गन भाई लिटरली बार बार बेकाबू हो रही है, मतलब मार कहीं रहा हूँ जा कहीं रही है, ये वाली ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये कंट्रोल में रहती है, वो वाली भाई स्पिन इतनी होती है और भाई साहब कती बावड़ा कर दिया मेरे को लिटरली ठीक है। सो उसको रहने देते हैं, इस वाली को ले लेते हैं, और अब मेरे को समझ में आई एमओ क्या काम आती है, इन एमओ की मदद से अपनी गन जब बेकाबू हो जाती है ना मिड एयर में तो वो कंट्रोल में रह लेती है, और या ऐसी हरकतें भी अभी अभी मेरे साथ बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्चुअली ठीक है, बट स्टिल मेरे को यही गन ट्राई करनी है क्योंकि इन माय ओपिनियन ये गन अपने को जितवाएगी। A few inches later, भाई जितना ज़्यादा अपन आगे बढ़ रहे हैं ना उतना ही गेम डिफिकल्ट होता जा रहा है, लिटरली भाई मेरी गन ही बावड़ी हो गई यार, यार गन कंट्रोल नहीं हो रही, गेम क्या खा खेलूँ, लिटरली भाई गन बिल्कुल बावड़ी हो चुकी है मेरी, देखो तुम अब भाई कहाँ फायर करूँ मुझे ये बताओ, नीचे करता हूँ ऊपर जा रही है, ऊपर करता हूँ नीचे, पता नहीं भगवान की दुआ से कहीं जा रही है ये है ना। सो वेल मैं अब एक्चुअली एक बात सोची मैंने कि जिस गन पे हैं अपन उस पे वापस आ जाते हैं और ये आखिरी ट्राई कर लेते हैं, अगर क्लियर कर गए तो ठीक, अदरवाइज सोचते हैं फिर क्या हो सकता है ना भाई, करा दो यार पार प्लीज, कितना ज़्यादा लिटरली यार इरिटेट कर रही है, 50% क्लियर कर दिया, 3 ही MO बची हैं अपने पास, ना भाई ना, मुझे लिटरली बता रहा हूँ इससे कोई भी उम्मीद नहीं है, बट स्टिल लेट्स होप कि अपन कर जाए। भाई अपन 70 तक आ गए, ओ भाई उम्मीद सी बग रही जग रही है तो अंदर मेरे है ना, 80% एंड स्टिल 2 MO, क्या लगता है होगा भाई, अब धोखा मत दे देना प्लीज, कराई देना यार प्लीज, ओ भाई 86 कम ऑन यार
बहुत ही मनहूस, लिटरली बहुत ज्यादा मनहूस। ठीक है, मैं बताऊँ इसकी पावर ही कुछ ज्यादा है ना, दैट्स व्हाई अपन इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अपन लोग अपनी यूजुअल गन पे आ जाते हैं, या कहते हैं जब कछु ना हो तो जहां से स्टार्ट किया है वहीं आ जाओ। हाँ ऐसा कोई नहीं कहता, मैं वैसे ही बस बोर आ चुका हूँ। बोल मैंने भैया फिर से सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब मैं सही बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। ठीक है, सो अगर इस बार अपन, या तुमने सही समझा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।